हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आमी के खट्टी मीठी चटनी, वो भी बिल्कुल आसान तरीक़े से। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप मिनटों में आमी के खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप किसी के भी साथ चटनी को खा सकते हैं, चावल, रोटी, परांठा आप किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। I wanna this love to survive now when I look in your heart। यहाँ पे मैंने आम को साफ पानी में धोकर चार टुकड़े में काट कर तैयार करके रखा हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में दो बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुकी है। अभी हम लेंगे खड़े मसाले। आधी चम्मच जीरा, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता और एक लाल मिर्च। इनको अच्छे से रोस्ट होने देंगे। और यहाँ पे हमारे तड़का बिल्कुल तैयार है। अभी हम ये कटे हुए आम लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ साथ यहाँ पे हम लेंगे सारे सूखे मसाले। एक चम्मच नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी हम इन सारे सूखे मसाले को अच्छे से आम के साथ मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे और 3 से 4 मिनट तक ढककर आम को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे 3-4 मिनट हो चुकी हैं। अभी हम दोबारा इनको अच्छे से चला लेंगे और अभी हम लेंगे यहाँ पे आधी कप पानी। और इनको अच्छे से दोबारा मिक्स करेंगे। अभी हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक दोबारा इनको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुकी हैं, आम अच्छे से पककर तैयार हो चुके हैं। अभी हम लेंगे गुड़ और अच्छे से आम के साथ मिक्स करेंगे। अभी हम गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे और अभी हम दोबारा इनको ढककर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे गुड़ के साथ। तो यहाँ पे अभी हम ढककर 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुकी हैं गुड़ के साथ पकते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी खट्टी मीठी आम की चटनी बनकर तैयार हो चुकी हैं। और ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये आप किसी के भी साथ खा सकते हैं। रोटी, परांठा, चावल आप किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।